हेलो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं अगर हमारा फोन चोरी नहीं तो खो जाता है तो हम किस तरह से ढूंढते हैं। देख सकते हो मेरा दोस्तों, ये मेरा फोन कल चोरी हो गया था और मैं आज देखो इस फोन को ढूंढ लाया हूँ। और देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा इधर कवर मेरा थोड़ा सा फाड़ दिया है, बाकी कुछ भी नहीं हो, बाकी मेरा सारा डाटा इसी में है। और दोस्तों मैंने इस फोन को सेफ तरीके से ढूंढा हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको एक बार ध्यान रखना होगा, जो भी आपका मोबाइल फोन खोया है उस फोन में कौन सा आपका जीमेल आईडी लॉगिन था ये आपको ध्यान देना होगा, और उसका पासवर्ड क्या था। अगर ये दोनों आपको याद है तो आपका फोन मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप पुलिस वाले के पास जाते होंगे और आपसे वो जीमेल आईडी नहीं तो मोबाइल नंबर मांगता होगा, तो और पुलिस वाला उसी मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से ट्रैक कर लेता है। तो दोस्तों आपको पुलिस वालों को चक्कर नहीं लगाना होगा, अपने फोन से खुद ही खोज सकते हो। और किस तरह से खोजते हैं आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो कर लेना होगा, देखो यहाँ से अगर कुछ इस तरह से अगर सर्च करते हो फाइंड माई डिवाइस नहीं तो फाइंड माई फोन को, देखो कुछ इस तरह से सर्च करोगे तो आपका देखो आ जाएगा यहाँ पे गूगल फाइंड माई डिवाइस, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करते ही देखो आपके सामने ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको परमिशन को अनेबल कर देना होगा। देख सकते हो दोस्तों हमारा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करते ही देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर आपको यहाँ से लॉग इन करना होगा जिस जीमेल आईडी से आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, नहीं तो साइन इन गेस्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने देखो कुछ इस तरह से एक आ जाता है इंटरफेस खुल करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उस जीमेल आईडी को डालना है जो फोन आपका खोया है। देखो मैं यहाँ पे उसी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने अपना यहाँ से जीमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद यहाँ से आपको देखो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करते ही देखो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा फोन में, जो भी आपका जो खोया है फोन नहीं तो चोरी हुआ उसका पासवर्ड इसमें डाल देना होगा। दोस्तों मैं अपना पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर नेक्स्ट करते हैं। हमारे सामने देखो कुछ इस तरह से आ जाता है ऑप्शन खुल करके। उसके बाद देख लो हमारा फोन दोस्तों यहाँ पे, देखो हमारा फोन बल्लभगढ़ में, लेकिन बल्लभगढ़ में कहाँ है अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में बने रहना। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये फोन मेरा देखो रेडमी नोट 8 का फोन है और देखो इसमें जियो का सिम लगा हुआ, अरे हमारा 11% अभी बैटरी है। अगर आपको अगर प्ले साउंड करना होगा तो अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो आपका फोन बजने लग जाएगा, जैसे कि आपके इस पर अगर क्लिक करते हो प्ले साउंड पे तो आपका फोन बजने लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बगल वाले के पास फोन है, नहीं तो आपके बगल वाले के जेब में फोन है, तो आपको क्या करना होगा डायरेक्टली इस पर प्ले साउंड पे क्लिक करोगे तो आपका फोन देखो बजने लग जाएगा। देख सकते हो हमारा फोन बजने लग गया, इस तरह से आप प्ले करोगे तो आपका फोन मिल जाएगा कि सामने वाले के पास रहेगा तो आपका फोन तुरंत पकड़ लोगे। अगर आप अपने फोन को दोस्तों लॉक लगाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे सिक्योर डिवाइस पे अगर क्लिक करते हो, देखो यह सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आप अपने फोन को लॉक लगा सकते हो। अगर आप अपने फोन को रिसेट करना चाहोगे तो इस पर देखो क्लिक करके रिसेट कर दोगे। रिसेट करने से फायदा होगा, अगर बाय चांस मान लो आपके पास कोई पर्सनल डाटा होगा आपके फोन में ताकि कोई लीक ना हो जाए तो आपको रिसेट कर देना होगा, इससे आपको फायदा हो। अगर दोस्तों फोन का लोकेशन देखना चाहते हो कि आपके फोन कहाँ पे है तो आपको क्या करना होगा, इस पर डायरेक्ट एक बार क्लिक कर देना होगा फोन पे। देखो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। देख सकते हो दोस्तों हमारा फोन ये मधु वाटिका के पास है, देखो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखो हमारा फोन यहाँ पे आ जाता है जो कि मैं इसी मकान में। उसके बाद ये डायरेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, देखो इस पर यहाँ पे नीचे आ रहा है एक डायरेक्शन का, देखो दोस्तों ये नीचे आ रहा है आपका एक डायरेक्शन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, और आप जहाँ से जाना चाहते हो आप यहाँ पे स्टार्ट चूज ए स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे कि मुझे जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ आदर्श नगर में रहता हूँ, तो मैं आदर्श नगर से जा रहा हूँ, जैसे कि आदर्श नगर से जाऊँगा मैं अपने फ़ोन के पास। देखो मैंने इस तरह से किया क्लिक, उसके बाद इस पर कर देना होगा सर्च, जैसे कि मैं आदर्श नगर हूँ और उसके बाद आपको सर्च कर देना होगा अपने फ़ोन के पास ले जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं मेरा फ़ोन दोस्तों देख सकते हो अभी यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कन्हैया जी के पास, देखो यहाँ पे तिगाँव यहाँ पे। तो आप यहाँ के यहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट चले जाना होगा, देखो यहाँ पे हमारा लोकेशन बता रहा है, डायरेक्ट फ़ोन का लोकेशन बता रहा है कि मधु वाटिका है, देखो हमारे यहाँ आस पास में, देखो ये मधु वाटिका है, तो मैं यहीं पे रहता हूँ तो हमारा डायरेक्शन देखो यहीं का बता दिया आपको। यहाँ पे जाने के बाद देखो हमारा घर का भी दोस्तों एड्रेस बता रहा है कि मैं इस घर से वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारा देखो घर का भी एड्रेस बता रहा है।
तो आपको इसी तरह से करना होगा क्लिक इस पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको प्ले साउंड पे क्लिक कर देना हो, तो इससे दोस्तों आपका फोन बजने लग जाएगा, उसके बाद आपका फोन मिल जाएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी।